अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो के अंदर ओप्पो के 9 5G स्मार्टफोन के बारे में बताया था कि भाई 5G स्मार्टफोन चाइनीज़ मार्केट के अंदर ओप्पो का लॉन्च होने जा रहा है और शायद ये स्मार्टफोन जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी रिलीज़ हो। लेकिन अब एक और स्मार्टफोन हमें जो है वो ओप्पो के सब ब्रांड यानी रियलमी की तरफ से देखने को मिला है, रियलमी V25, जो कि एक प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के अंदर आने वाला स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ है और 5G स्मार्टफोन है। Realme V25 किस तरह की स्पेसिफिकेशन लेके आएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, आएगा नहीं आएगा, क्या प्राइस रेंज होगी, इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात करें Realme V25 की, तो यार Realme V15 हमें जो है वो लास्ट ईयर देखने को मिला था, उसी का सक्सेसर Realme V25 हमें जो है वो 5G के अंदर इस दफ़ा जो है वो मार्केट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब चाइनीज़ मार्केट के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर यानी चाइना से बाहर जो है ये लॉन्च होता है नहीं होता ये बिल्कुल भी अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो है वो एशियन मार्केट के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा ओप्पो के 9 5G की तरह ही। उसी तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। अगर स्पेसिफिकेशन को लिस्ट डाउन किया जाए तो यहाँ पर अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन ऑलमोस्ट हमें जो है वो मिलता जुलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें जो है वो बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, डेयर टू लीप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये ब्रांडिंग क्यों लगाई गई है। रियलमी 8 सीरीज़ के अंदर भी हमें जो है वो डेयर टू लीप की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, क्यों नहीं इसको जो है वो क्लीन एक डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन जो है वो दिया जाता रियलमी की तरफ से। मेरे ख्याल से ये ब्रांडिंग को रिमूव हो जाना चाहिए भाई, हम इस ब्रांडिंग की आपकी ब्रांडिंग हो रही है इसमें कंज्यूमर का क्या फायदा है, छोटी सी एक रियलमी की ब्रांडिंग कर दे वो बहुत है, डेयर टू लीप इतना बड़ा बड़ा लिख देना यार वो सारा स्टाइल ही खत्म हो जाता है बंदे का। तो मेरे ख्याल से ब्रांडिंग को खत्म होना चाहिए। आप प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट यानी 60-70 हज़ार रुपये जो है वो आप कस्टमर से ले रहे हैं और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी समझ से बाहर है। अगर आप इंट्री लेवल या बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स के ऊपर ब्रांडिंग करते हैं बड़ी तो फिर तो चलो समझ में आ जाती है, अगर आप अच्छी डिवाइस जो है वो कम बजट के अंदर दे के उसके ऊपर ब्रांडिंग कर रहे हैं तो चलो एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप एक ऐसी डिवाइस जिसकी प्राइस भी फुल चार्ज कर रहे हैं और उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग भी पूरे स्मार्टफोन के ऊपर आपका ही जो है वो ब्रांड चल रहा है, नाम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। यहाँ पर ब्रांडिंग जो है वो थोड़ी सी मिनिमम करनी चाहिए रियलमी को। इसके बाद इसके डिज़ाइन के हवाले से ओवरऑल बात कर ली जाए तो सेंटर पंच होल डिस्प्ले हमें जो है वो देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी की स्पोर्ट है, हमें जो है वो ऑप्टिकल फिंगर प्रिंट स्कैनर जो है वो देखने को मिल जाएगा यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। 6.43 इंचेस की जो है वो यहाँ पर हमें स्क्रीन मिल रही है जो कि एक एमोलेड स्क्रीन होगी 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आएगी, जैसे कि हमें जो है वो दूसरी डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल रही है रियलमी की। तो यार एक आइडियल साइज़ की जो है वो स्क्रीन मिलती है रियलमी की डिवाइसेस के अंदर। ओवरऑल डिज़ाइन ठीक ठाक है, यहाँ पर हमें जो है वो कुछ आउटस्टैंडिंग देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, लाइट वेट ज़रूर है, कोई हमें जो है वो 173 ग्राम के आसपास का जो है वो ये वेट देखने को मिलेगा इस। तो डिज़ाइन के मामले में ठीक ठाक है, डिस्प्ले काफ़ी सॉलिड है। बैटरी की बात की जाए तो 4400 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 65W का इसके अंदर हमें जो है वो फास्ट चार्जर प्रोवाइड करेगा रियलमी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आती है। यानी कि 4400 mAh की बैटरी, आपको 5 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया और साथ ही साथ आपको जो है वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल गई इतनी कि आप 40 मिनट के अंदर ही बैटरी को जो है वो फुल चार्ज कर लेंगे। तो बैटरी के मामले में काफ़ी सॉलिड ये स्मार्टफोन निकल कर आने वाला है। अब बात कर लें इसके कैमराज की, तो कैमरा के अंदर यार बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि 64 मेगापिक्सल का होगा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी और थर्ड कैमरा हमें जो है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलेगा, यानी कि मेन कैमरा ही जो है वो हाईलाइट है, बाकी 2 कैमराज जो हैं वो बस ट्रिपल कैमरा पूरा करने के लिए जो है वो लगा दिए गए हैं। फ्रंट के ऊपर अभी तक क्लियर नहीं है कि हमें सेल्फी शूटर जो है वो कितने मेगापिक्सल का मिलेगा, तो वहाँ पर भी जो है वो 16 या 20 मेगापिक्सल का हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो कैमराज ठीक ठाक होने वाले हैं, बेहतर कैमराज होने वाले हैं रियलमी की तरफ से। इसके बाद लास्ट के अंदर हम बात करेंगे इसके चिपसेट के हवाले से, क्योंकि ये एक 5G डिवाइस होने वाली है तो यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन 768 का जो है वो चिपसेट मिलने वाला है जो कि ओप्पो के 9 के अंदर भी लगाया गया है। तो सेम चिपसेट जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करके दे देगा। तो मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 765 का ट्विक वर्जन है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है 768, तो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मिलने वाली है।
गया है, जो 765 था बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था हमें, जो है वो प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के अंदर वो जो चिपसेट था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, तो मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी डिवाइस के अंदर आया हो पाकिस्तान में, लेकिन एक अच्छा चिपसेट है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करता है प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट की कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये इससे थोड़ा सा इंप्रूव है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर हमें मिलने वाली है इस डिवाइस के अंदर। तो ओवरऑल यार रियलमी वी 25 के बारे में बात की जाए तो मेरे नज़दीक एक अच्छी डिवाइस निकल कर आती है, एक अच्छा एडिशन होगा प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट के अंदर। अगर पाकिस्तानी मार्केट में आती है तो हमें अगर 60-65,000 के अंदर ये डिवाइस मिल जाती है तो बिल्कुल भी बुरी ऑप्शन नहीं होगी, अंडर बल्कि 60,000 एक अच्छी जो है वो डिवाइस निकल कर आएगी। लॉन्च डेट के हवाले से क्या बात करें यार, अभी तक चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च नहीं हुई, तो बाहर कब आएगी? तो यानी कि 2 माह तक जो है वो वेट इस डिवाइस का करना पड़ेगा, और श्योर भी नहीं है कि ये डिवाइस आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई अंडर 60,000 डिवाइस लेने का सोच रहे हैं तो किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएं, इस डिवाइस का वेट ना ही कीजिएगा। अभी तो सिर्फ एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दिस इज़ सैफराना साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।